हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम अपने वीडियो में आपको गोंडा कॉरिडोर दिखाने जा रहे हैं। गोंडा कॉरिडोर पूरा पानी में डूब चुका है। इस कॉरिडोर बनाने में सरकार को 201 रुपए की लागत आई थी, तो आज 201 रुपए पूरा पानी में जलमग्न हो चुका है। अब हम आपको कॉरिडोर के पास जाके वीडियो दिखाएंगे, कॉरिडोर पानी में कहाँ डूबा हुआ है। तो वीडियो पर दोस्तों कंटिन्यू रहिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम इस समय वर्ना पुल पर, तो गाइस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो गाइस ये सामने आप देख रहे हैं, ये टीवी टावर है, इसको दूरदर्शन टीवी टावर बोलते हैं। हम ऐसे वर्ना पुल पर, तो वर्ना पुल दो होती हैं, एक जाने के लिए एक आने के लिए बनी होती है। तो ये जो टीवी टावर आप देख रहे हैं, इधर वाराणसी रेलवे स्टेशन से आप आएंगे तो इस पुल पाएंगे, तो ये कचहरी चला जाता है सीधे। और सामने एक ओवर ब्रिज वो देखिए, वो है आपको कचहरी साइड से, या बाबतपुर साइड से कोई भी आता तो सामने ओवर ब्रिज से आता है, वो जाता है वाराणसी रेलवे स्टेशन। तो हम आपको वहाँ भी चल कर आपको वीडियो दिखाएंगे क्या अपडेट है। अब तो पानी का व्यू देखिए, तो गाइस हम ओवर ब्रिज से नीचे आ चुके हैं। तो एक बार हम ऊपर का आपको व्यू दिखाते हैं कि हम कितना नीचे आए हुए हैं। तो गाइस यहाँ ऊपर तक लोग रह रहे हैं, देखिए ऊपर ऊँचाई है। पानी आपका यहाँ ऊपर तक आ चुका था, ये देखिए ज़मीन यहाँ अभी तक मिट्टी सब गीली है। ये जल के जलकुंभी इसको बोलते हैं, ये पूरा पानी के बहाव से आते हैं। तो पानी गाइस सबका यहाँ तक यहाँ पा चुका था, इतना दूर। अब देखिए पानी कितना कम हुआ है, सामने पूरा रोड खाली हो चुका है। अब यहाँ पानी नीचे, हम यहाँ पर टहल सकते हैं, जा सकते हैं। तो सामने देखिए नदी है, लड़के बच्चे लोग टहल रहे हैं। तो नदी का पानी यहाँ ऊपर भी आ चुका है, तो यहाँ जमीन खाला था, गढ़ा था, तो यहाँ पानी डूबे हुए हैं। तो गाइस दोस्तों ये आप लोग सामने घर देख रहे हैं, इस घर का यहाँ पर देखिए यहाँ तक पूरा पानी डूब चुका था। ये घर आधा डूब चुका था, जो लोग इस घर में रहते थे तो उनको छत पर जाना पड़ा, और बाकी लोग घर छोड़ के ऊपर ऊंचाई पर चले गए हैं। हम कुछ दिन पहले दोस्तों यहाँ पाए हुए थे, तो सामने देखिए वो सब कॉरिडोर बना हुआ है, तो पानी कॉरिडोर से थोड़ा सीधा ही था। तो अभी ये 3 से 4 दिन के अंदर ऐसा हुआ कि पूरा एक घर आधा डूब गया, इतनी अचानक पानी बढ़ गई। तो यहाँ लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना देखना पड़ा। सामने आप ओवर ब्रिज देख रहे हैं, वर्ना पुल है, और वो सामने आपका टीवी टावर, दूरदर्शन टावर है। इस टावर बगल में आपका ये रेडिशन होटल है, ये कंटोनमेंट एरिया है दोस्तों। इस बिल्डिंग उस पार सब कंटोनमेंट एरिया है, जब कंटोनमेंट लोग रहते हैं। तो अब हम चलते हैं आपको मेन वर्ना कॉरिडोर जिधर बना है, अच्छे से लोग काफ़ी लोग टहलते थे। दोस्तों सामने देखिए इस सब पूरे जो घर थे नदी किनारे से डूब चुके हैं बाढ़ में। पानी फिलहाल तो आज कम हो गया काफ़ी, तो अब धीरे धीरे पानी कम होते जा रहे हैं। ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, ये घर पूरा डूब चुका था बाढ़ में। तो इस इलाके में जो लोग रहते हैं, ऊपर ओवर ब्रिज तक जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत सामना करना पड़ा। घर में बिल्कुल पैक हो चुके थे, लोग 4 से 5 दिन और घर से नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि इस एरिया में कोई नाव नहीं चलती है। देखिए बाढ़ का एक प्रूफ है जलकुंभी, जो नदी के द्वारा यहाँ पाया हुआ। पानी कम हो गया लेकिन ये जलकुंभी ये अपना घर बसा लिए हैं, इसी जगह रुके हुए हैं। लेकिन यहाँ से जल नहीं हटाया गया तो ये पूरा एरिया कब्जा कर लेंगे। तो जलकुंभी देखिए सर दोस्तों, वहाँ सामने तो चला गया है, तो पूरा दीवार तक पूरा पानी भर चुके थे। तो गाइस देखिए पूरा घर एक तरह से नया घर बन रहा था, इस घर में पूरा पानी घुस चुका है। और जितनी निचले स्तर झोपड़ी पट्टियाँ थी जो पूरी डूब चुकी है, लोगों को अपना घर छोड़ जाना पड़ गया।
तो हालात अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सब कुछ पानी में डूब चुका है। अभी तो कुछ दोस्तों, अभी तो कॉरिडोर भी डूबा था, अब तो सबके घर डूबने शुरू हो गए हैं। ये आपका वरना कॉरिडोर था जो पानी में डूब चुका है बिल्कुल, तो पानी इतनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं कि सबके घर डूब चुके हैं। बस थोड़ी सी खुशी की बात हो रही है दोस्तों कि आज 2 सितंबर है, तो आज पानी काफ़ी कम हुआ है। तो अभी लोगों को जानकारी मिल रहा है कि पानी अब धीरे धीरे कम होते रहेंगे। तो ये एक तरह से नया मकान बन रहा था, तो यहाँ के लोगों को भी काम छोड़ जाना पड़ा। ये पानी इतनी अचानक रात में बढ़ गई कि दोस्तों, ये वरना का मेन कॉरिडोर है, आपको ये ओवर ब्रिज के रास्ता है, यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। तो अभी जब बाढ़ नहीं था, लोग इस रास्ते से आते थे नीचे, और यहाँ कॉरिडोर में मॉर्निंग वॉक करते थे, इवनिंग वॉक करते थे, जिसको घूमना टहलना सब लोग आते थे। तो आज क्या है कि आपका 200 करोड़ का ये जो कॉरिडोर था पूरा पानी में डूब चुका है, देख रहे हैं। ये किनारे किनारे सब पेड़ पौधे लगे थे और नीचे कॉरिडोर था पर वॉकिंग करने के लिए बने हुए थे, तो सारा कॉरिडोर पानी में डूब चुका है। तो लोग जैसे लोग आए हुए हैं, देखिए कुछ लोग सुबह टाइम अभी है तो मॉर्निंग वॉक करने आए हुए हैं। पानी का पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पा चुका है पूरा, देखिए काफ़ी दूर तक पानी है कॉरिडोर के, इधर कॉरिडोर है, इधर पूरा पानी धरा चुका है। ये सामने ओवर ब्रिज है, ये वरना ओवर ब्रिज इसको बोलते हैं गाइस। ये आपका वाराणसी रेलवे स्टेशन चल जाएगा, सामने आप देख रहे हैं लंबा सा टीवी टावर है, दूरदर्शन टावर। तो पानी देखिए इतना ऊपर आ चुका था, तो पानी साथ साथ पूरी गंदगी भी इस कॉरिडोर ऊपर चढ़ चुकी है, कॉरिडोर आपका डूब चुका है पूरा। तो पानी इतना ज़्यादा था कि सामने जो आप लोग घर देख रहे हैं, वो घर का निचला हिस्सा पूरा डूब चुका था बाढ़ में। अब हम कुछ दिन पहले आए थे तो ये पानी केवल आधा था, उधर आगे तक नहीं गई थी, तो आज पूरा पानी आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ लाइट लगा है, लोग शाम को आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ घूमते हैं टहलते हैं, तो लाइट का व्यवस्था बहुत अच्छा दिया गया था, पर फिलहाल अभी सब बंद है यहाँ पर, ये सब पानी डूब चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। बिजली का डर रहता है किसी करंट ना मार दे,